हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास हाटो स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त टीम आप लोगों की इस प्रिपरेशन में आपकी जबरदस्त हेल्प कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आज जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझा था थोड़ा बहुत, है ना, और मोड ऑफ फीडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने एक एक बार डिस्कस किया था। मतलब ये कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था। ओके, सेकंड क्लास या मैं बात करूं कि जो सेकंड लेक्चर हमने इस चैप्टर का लिया है, उस चैप्टर में हमने ओनली फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैसा कि आप लोग सेवंथ क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, और थोड़ा सा उसको एलेबरेट किया था हम लोगों ने। वो ये दो प्रोसेस हमने जो समझी थी, एक थी हमारी ऑस्मोसिस और सेकेंड इज डिफ्यूजन, है ना। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू हम लोगों ने इस चीज को भी समझा कि किस तरीके से जो स्टोमेटास हैं वो प्लांट्स में ओपन हो रहे हैं और किस तरीके से वो क्लोज हो रहे हैं। तो इन चीजों को अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट इस काम को करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट से इस काम को करिए। ओके, आई होप हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है या जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है दो लेक्चर के अंदर, इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, अपन उसको यहाँ पे देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, एक मिनट, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा ये होने वाला है आप लोगों को, यहाँ पे जितने भी सैंपल पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसका आपको पाथ दिया हुआ है t.me/ttb010। ओके, सिक्स के लिए अलग है, सेवन्थ के लिए अलग है, एट्थ के लिए अलग है, नाइन्थ के लिए अलग है, टेंथ क्लास के लिए अलग अलग है। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स को डाइजेशन के अंदर काउंट किया गया है, या मैं ये कहूं कि न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से डाइजेशन, मतलब न्यूट्रिशन, या मैं ये कह सकता हूं कि फूड का ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो हमारा काम करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट इस काम को कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो हम लोगों को आज जो देखना है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं या किसी कारणवश वो पिछली क्लासेस को नहीं देख पाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन एक एक बार उनको डिस्कस कर लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात कहूं तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, आप लोगों को भी पता है, कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत रहेगी, एनर्जी की जरूरत रहेगी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, हमारे फूड से मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कहा जाएगा न्यूट्रिशन। बस इतना सा है, फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। और ये जो फूड होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, चले आगे। चलिए, और जो फूड है, अब हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है आप लोगों को भी पता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोग टेंथ क्लास में आए हैं तो आप लोगों ने सेवंथ क्लास पढ़ी होगी, सिक्स क्लास भी पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी है, है ना। अब हम लोगों ने वहां पे ये देखा था जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब जो कम अमाउंट में हमारी बॉडी को नीड होती है, और अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो हमारी बॉडी को उसकी नीड ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो माइक्रो में हम काउंट करेंगे मिनरल्स एंड विटामिंस को,
ज्यादा नहीं कम अमाउंट में जरूरत है, लेकिन जरूरत तो है भैया, सिंपल सी बात। ओके आगे बढ़े, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब किसके अंदर काउंट करेंगे अपन, अपन करेंगे इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैं आप लोगों से कहूं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हिटरोट्रॉफिक। आप लोगों को इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। फटाफट से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक में हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं ये भी, एक होता है फोटोऑटोट्रॉप्स, दूसरा होता है कीमोऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स की हम बात करें, जो एनिमल्स हैं वो क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, इनमें भी बहुत सारे होते हैं जो मोड ऑफ फीडिंग वगैरह किस तरीके से होता है, होलोजोइक है, सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर भी होता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर होता है। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके फटाफट से देखते चले जाइए, बस ऑस्मोसिस को हमने देख लिया था, डिफ्यूजन को भी हम लोगों ने देख लिया था फटाफट से, और जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है वो होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो वहाँ पे होगी वो कौन सी साइट होगी, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। ओके चले आगे, और क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शन होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन, दूसरी होती है लाइट रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वापस से देख लीजिएगा। लाइट रिएक्शन भी होगी और डार्क रिएक्शन भी होगी, लाइट रिएक्शन को भी हमने देखा था। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी और एटीपी का बनना, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइट रिएक्शन जहां पर होती है, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, क्या होते हैं, थाइलेकोइड से भाई, स्टेक को क्या कहा जाता है, ग्रेना, और एक को कहा जाएगा ग्रेनम, और अगर इस कॉइन की मैं बात करूं, इस कॉइन की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाएगा, थाइलेकोइड। इसके अंदर होती है हमारी कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और ये जो क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें क्या है, स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, केल्विन रिएक्शन होती है, केल्विन साइकिल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जहां होती है वो कौन सी साइट होगी, स्ट्रोमा होगी। क्लियर, आगे बढ़े फटाफट से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खा रहे हैं, हम जो भी फूड ले रहे हैं, एक बार बताइए वो किस पोजिशन में है, किस सिचुएशन में, उसकी जो सिचुएशन अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है ना। अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको उसको कन्वर्ट करना होगा सोल्यूबल या सिंपलर फॉर्म के अंदर। अब सोल्यूबल और सिंपलर फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें हमारे दांतों से चबाना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमने हमारे फूड को लिया, फिर उसको हमने क्या किया, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करा, मतलब उसको काटा, डाइजेस्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। अब हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं वो अपना प्रोसेस करेंगे और हमारे फूड से क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको लेने हैं या जिसका जो डाइजेशन होना है वो हमारे हमारे फूड से हो चुका होगा, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चली जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो फटाफट से देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, हम भी जानते हैं भाई, जैसा कि आपको एनिमल का यहां पर डायग्राम नजर आ रहा होगा। एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, हेटरोट्रॉफिक मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया भाई, हम लोग जो है फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा थोड़ी ना कि हम धूप में खड़े हो जाएं और हमारा फूड खुद ब खुद बन जाता है, ऐसा तो कोई सीन होता ही नहीं है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टू ऑब्टेन देयर फूड, हम चाहें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हम प्लांट से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हम लोग क्या हैं, चपाती वगैरह खा रहे हैं, राइस वगैरह खा रहे हैं, तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर ही तो डिपेंडेंट हैं भाई। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये प्लांट्स ही आ रही है। नेक्स्ट हम बात करें, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, बट यूजुअली एनिमल्स आर होलोजोइक।
ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को होलोजोइक का मीनिंग भी बताया था, बताइए फटाफट से क्या होता है होलोजोइक का मतलब, आप लोगों के पास में 10 सेकंड फटाफट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आप लोगों को दो चीजें समझाई थी, एक होता है हमारे पास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारे पास में मोड ऑफ फीडिंग। बताइए क्या होगा, 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप लोगों को अपना आंसर देना होगा। होलोजोइक का मीनिंग क्या है बताओ, होलोजोइक। देखिए होलोजोइक का सिंपल सा मतलब, अरे भाई एवा बताओ, हमने खाना खाया और हमारे खाने को हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, हमारी बॉडी से बाहर कर दिया। सिंपल सी बात, दिस इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये कि जो फूड हम ले रहे हैं वो किस पोजिशन में है, वो है कॉम्प्लेक्स पोजिशन में, तो उसको हमने क्या करा, डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज करा, मतलब हमने उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करा, मतलब हमने उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करा, और जो फूड का डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अपन जो देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, या मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, न्यूट्रिशन के लिए जो स्टेप्स होती हैं वो कौन कौन सी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इन पांचों स्टेप के अंदर या पांचों स्टेप्स के अंदर ही हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। अगर मान लीजिए हम किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से पानी पिएं, टाइम से अगर हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है हम हर चीज हमारी बॉडी को दें, तो हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेशन की जितनी भी स्टेप्स हैं वो रेगुलर होती रहेंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो फटाफट से देखते हैं इंजेशन क्या होगा। अभी वो बताइए, मैं आप लोगों से अगर बात करूं इंजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो आपने खाना खाया, बस इनटेक ऑफ फूड, यही होता है इंजेशन, और कुछ नहीं, बस खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं कहना, हमने खाना खाया बात खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब जो आपने खाना खाया है चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, बस आपने का काम क्या था, आपने खाना खाया, मतलब आपने कौन सी वाली प्रोसेस कर ली, आपने इंजेशन वाली प्रोसेस कर ली। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन। अब हमने जो खाना खाया है भाई, एक बार बताओ, चलो वो तो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहा है या वो सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारी बॉडी जो भी चीज ले रही है, गेन कर रही है, एनगल्फ कर रहे हैं जो भी चीज हम, वो कॉम्प्लेक्स में ही समझती है और उसका डाइजेशन फिर से करती है। तो कहने का मतलब जो फूड आप खा रहे हो या जो फूड आपने ले लिया है उस फूड का सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होना, वही चीज यहां पे लिखी है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर, स्मॉलर एंड सोल्यूबल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं वो, सिंपलर, सोल्यूबल और स्मॉलर फॉर्म के अंदर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप आती है वो है एब्जॉर्प्शन। अब एक बताओ, हमारा काम था उस फूड को हमारे टीथ की मदद से उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देना, अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए टेकिंग अप ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल टू द ब्लड और बॉडी फ्लूइड। अब जो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो हमारे इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है वहां चला जाएगा और हमारे ब्लड तक पहुंच जाएगा, ताकि एक बार बताओ हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज फ्लो हो रही है, ब्लड फ्लो हो रही है, और जब फूड पार्टिकल से निकलने वाली एनर्जी ब्लड के अंदर आ जाएगी तो सिंपल सी बात है, एक बार बताइए जो एनर्जी है वो भी तो हमारी पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करें असिमिलेशन, इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स। अब ईच एंड एवरी सेल तक, जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, उसके अंदर हमारी क्या, हमारा फूड क्या पहुंच चुका है, इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब फूड, हमारा फूड पहुंच चुका है। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है
उसका बॉडी से बाहर निकलना, सिंपल सी बात। देखो यहां पे तो हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन होने के बाद में वो कहाँ है, इंटेस्टाइनल वॉल में ही है, लेकिन यहां से हमारा फूड जो है ईच एंड एवरी सेल में जा चुका है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी आ चुकी है, और जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फटाफट से लिख लीजिए फिर आगे चलेंगे अपन। देख लीजिए, हो गया। न्यूट्रिशन इन एनिमल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, और इन पांचों स्टेप्स के अंदर हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से देख लीजिए बेटा, क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल एज अमीबा। अब एक बार बताओ, अमीबा आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो सुना होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन यहां पे देख लेंगे अमीबा को। देखिए अमीबा के अंदर भी ये पांचों स्टेप होती है। अब हम ये कहेंगे कि सर अमीबा तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अरे तो क्या हो गया, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, लेकिन जो फूड को डाइजेशन करने की जो प्रोसेस है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, सेम रहेगी। ओके, अब अमीबा के अंदर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या मैं ये कहूँ मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो होलोजोइक होता है। अब आप कहोगे सर होलोजोइक इनमें भी होता है, बिल्कुल होता है, इसमें भी क्या होगा, अरे भाई जो फूड पार्टिकल है वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स को किसमें फॉर्म, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब डाइजेशन के बाद में जब उसको अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आ चुका होगा तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, तो वही तो चीज़ है होलोजोइक। कॉम्प्लेक्स फूड का सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होना और सोल्यूबल फॉर्म के बाद में उसका फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता और बॉडी से बाहर निकल जाना होलोजोइक होगा। वही चीज यहां पे लिखी है, फटाफट से देखिए, इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वॉटर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैसा रहेगा, होलोजोइक, कैसा रहेगा, होलोजोइक रहेगा बेटा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज बाय फेगोसाइटोसिस, किसके थ्रू होगा, फेगोसाइटोसिस, आप लोगों को ये लर्न करना होगा, क्लियर है, फेगोसाइटोसिस। अब हम समझते हैं कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है ना, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए ये कोई अमीबा होगा, ठीक है, ये कोई अमीबा है, और अमीबा में क्या होता है, सुडोपोडिया फॉर्म होता है, मतलब ये कि कोई भी फूड पार्टिकल है अगर इसके पास में है या ये फूड पार्टिकल के पास में है तो सुडोपोडिया फॉर्म होगा, मतलब ये कि जो इसकी सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, जिसकी आउटर बाउंड्री है, वो क्या करेगी, इस फूड पार्टिकल को कवर कर लेगी। ओके, और इस फूड पार्टिकल को कवर करने के बाद एक लेयर इसके चारों तरफ होगी जिसे कहा जाएगा फूड वैक्यूल, क्या कहा जाएगा उसको, फूड वैक्यूल कहा जाएगा, क्लियर है, और इसे कहा जाएगा जो ऑब्टेनिंग प्रोसेस है उसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। अब अपन आगे देखते हैं फटाफट से अमीबा के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है। देखिए अमीबा है, ओके, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ डायग्राम है, यह हमारा डायग्राम है। देखिए यह अमीबा है, अमीबा के पास में कोई फूड पार्टिकल होगा या फूड पार्टिकल अमीबा के पास में होगा, दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे, सुडोपोडिया फॉर्म हुआ है, सुडोपोडिया फॉर्म हो रहा है ना, सुडोपोडिया फॉर्म हो रहा है मतलब
एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक फॉल्स प्रोसेस है बस और कुछ नहीं। अब इसके चारों तरफ ये सुडोकोडिया फॉर्म होगा और ये जो इसकी सरफेस है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसकी बाहर की बाउंड्री है, इसको क्या करेगी, कवर कर लेगी। और कवर करने के बाद में इसके चारों तरफ क्या बन चुका है, फूड वैक्यूल बन चुका है। क्या बन चुका है, फूड वैक्यूल बन चुका है। देखिए अब ये डाइजेस्टन वाली प्रोसेस में ये तो क्या हो रहा है, इंजेशन हो रहा है, मतलब इनटेक। ये तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, इनटेक वाली प्रोसेस हो रही है। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, ये इनटेक वाली प्रोसेस हो रही है। अब इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल बन गया, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन वाली प्रोसेस हो रही है। डाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो इससे एनर्जी मिलेगी उसका असिमिलेशन होगा और असिमिलेशन के बाद में एक्सक्रीशन होगा और इस तरीके से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पांचों स्टेप्स हो रही है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन और इजेशन। क्लियर है, फटाफट से देख लीजिए। और ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इस तरीके से अमीबा है, कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आया, इसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, आप जानते ही हैं। और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है उसे कहा जाएगा फूड वैक्यूल। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बना लीजिए। क्लियर, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। तो ये पांचों की पांचों स्टेप अमीबा के अंदर हो रही है। एक बार फटाफट से आप लोग देख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं, इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, असिमिलेशन क्या है और रिजेशन क्या होगा। देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कौन, अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर वाइटल एक्टिविटीज, एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और हमने अभी जस्ट देखा है फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, सुडोपोडिया हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है ना, है ना। एनिमल एनगल्फ द फूड पार्टिकल लाइंग नियर इट बाय फॉर्मिंग सुडोपोडिया अराउंड इट, मतलब इसके चारों तरफ क्या करेगा, वो एक सुडोपोडिया फॉर्म करेगा और उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा। सिंपल सी बात देखिए फटाफट से, अब ये जो फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आ गया है उसके चारों तरफ मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा और ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा, क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा और इस फूड को स्मॉलर एंड सोल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब दो प्रोसेस हो चुकी है हमारी, एक हो गया हमारा इंजेशन और दूसरा हो चुका है हमारा डाइजेशन। फटाफट से देखो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पे अपन आएंगे फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा देखिए, अब देखना जो फूड का डाइजेशन हो चुका है, अब जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इसको इसका डाइजेशन कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका हम ये कह सकते हैं कि जो फूड वैक्यूल है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है अमीबा के अंदर, तो हमने ये देखा था कि जो फूड वैक्यूल होता है ना, वो फूड वैक्यूल धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है, द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म,
बाय सिंपल डिफ्यूजन, और हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को देख लिया है, क्लियर। एंड देन द फूड वैक्यूल डिसअपियर, जो उसके चारों तरफ जो लेयर बनी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। असिमिलेशन की अगर अपन बात करते हैं, द फूड एब्जॉर्ब्ड इन द अमीबा इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रेस्पिरेशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। भाई एक ही सेल है और एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी वाइटल एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजेशन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसने फूड लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ये पांचों की पांचों जो स्टेप्स हैं अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलेगी। फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ते अपन, क्लियर। एक बार लिख लीजिए, हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब जो हमने समझा है, या मैं ये कहूं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसको एक बार फटाफट से यहां पे हम देख लेते हैं। ये अमीबा है, कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आया है, और फूड पार्टिकल जब इसके पास में आया तो सुडोपोडिया फॉर्म हुआ है, और इस अमीबा ने सुडोपोडिया के थ्रू क्या करा, इस फूड को इंजेस्ट करा है, मतलब फूड को इंटेक किया है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट। नेक्स्ट मैं बात करूं डाइजेशन, अब ये जो फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर हो चुका है, तो इसके चारों तरफ क्या बन चुका है, एक एंजाइम का बना हुआ एक फूड वैक्यूल है, जो इस फूड पार्टिकल को डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेस्टेड फूड है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अमीबा की अगर अपन बात करें, अब जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसका क्या होगा, असिमिलेशन होगा, और लास्ट में इजेशन होगा। अब यहां पे आप लोगों को सुडोपोडिया नजर आ रहा होगा, ओके, किस तरीके से फूड जो है अंदर आ रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलरफुल इमेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, बना लीजिए बेटा फटाफट से डायग्राम, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है ना, बना लो फटाफट से डायग्राम को, ऊपर वाला डायग्राम बना लीजिए। चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देखना चाहते हैं वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा या पैरामीशियम में किस तरीके से होगा। अमीबा को हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, फटाफट से यहां पे एक बार और देख लेते हैं, जो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा एडवांस और कर देगा। देखिए अमीबा की अगर अपन बात करते हैं, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, विच फीड्स ऑन प्लैंकटन, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड स्मॉल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो इसके आसपास आप लोगों को नजर आ जाएंगे। जैसा कि यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बैक्टीरिया है, सुडोपोडिया फॉर्म हो रहा है और वो जा रहा है। हम अगर बात करें अमीबा के अंदर, तो अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक होता है। फेगोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस, या हम कहें द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये फूड को गेन करता है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन इट सेंस फूड इन इट्स सराउंडिंग इट एक्सटेंड द सुडोपोडिया, तो
तो ये क्या करेगा, सुडोपोडिया को फॉर्म करेगा, है ना, इन दैट डायरेक्शन एंड मूव्स टुवर्ड्स इट, देन एनगल्फ द फूड इट्स सुडोपोडिया। भाई सुडोपोडिया फॉर्म करके इसने क्या करा, फूड को एनगल्फ कर लिया है। व्हेन द फूड एंटर्स इन द बॉडी ऑफ अमीबा फॉर्म फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल क्या होते हैं, जो कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भाई एक बार बताओ, जो फूड वैक्यूल इसके चारों तरफ बनाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, उसके रीजन ये है कि इसके पास में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो फूड पार्टिकल को क्या कर देती है, डाइजेशन वाली फॉर्म में चेंज कर देती है। व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड द अनवांटेड वेस्ट इज रिलीज थ्रू द इट्स बॉडी सरफेस, और इसकी जो बॉडी सरफेस होती है उससे बाहर निकल जाता है। फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम बना लीजिए, और इस डायग्राम में आप लोगों को कुछ और ही नजर आ रहा हो, अमीबा अप्रोचिंग फूड पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, ओके ये फूड पार्टिकल हो गया, अमीबा फॉर्मिंग सुडोपोडिया, ओके ये सुडोपोडिया फॉर्म हो रहा है, फूड वैक्यूल एनगल्फ फूड पार्टिकल, देख लीजिए फूड वैक्यूल बन गया, ओके एनगल्फ होने के बाद में, और फूड वैक्यूल बनने के बाद में, और जो बना है फूड वैक्यूल उसने क्या करा है, इस फूड को डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया है, डाइजेशन कर दिया है इसका। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम फटाफट से देख लीजिए, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम फूड इज ब्रॉट बाय द लेशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया टू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम, क्या कहा जाएगा उसको, साइटोस्टोम कहा जाएगा, और आपको यहाँ पे सीलिया का डायग्राम नजर आ रहा होगा, सॉरी पैरामीशियम का डायग्राम नजर आ रहा होगा, और इसके बाहर जो आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बाहर की तरफ नजर आ रही है, ये होता है सीलिया, ओके क्या होता है, सीलिया होता है। फटाफट से लिख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो आज हमने अमीबा को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, डिटेल में भी देख चुके हैं, है ना, चलें आगे बढ़े। हो गया, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल एज ह्यूमन। देखो बेटा, पहले अगर हमने इसको डायग्राम को समझ लिया ना, तो बाकी की बातें तो बस हमें लिखनी और कुछ नहीं करना है। अगर इस डायग्राम को हम समझ लिए तो आगे का सारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो, आपको यहां पे एक पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा होगा, है ना, हम अगर इंजेस्ट करते हैं, हम फूड को इंटेक करते हैं, तो कौन से वाले पार्ट से करते हैं, माउथ से करते हैं। बात को समझिएगा, किससे करते हैं, माउथ से कर रहे हैं भाई, माउथ से कर रहे हैं ना, और माउथ को, और माउथ की अगर हम बात करें, अभी तक ये हमारा माउथ है, लिप्स की हम बात कर रहे हैं, लिप्स को जैसे आप ओपन करोगे, अंदर वाली साइड क्या है, हमारी माउथ है, ओके। अब माउथ किस किस को कंटेन करता है, पैलेट, यूविला, टंग और टीथ। यूविला क्या होगा, सबसे पहले जो यहां पे नजर आ रहा है पैलेट, व्हाट इज पैलेट, देखिए जैसे आप माउथ के अंदर एंट्री करते हो, टीथ नजर आ गया, पैलेट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ आप अपनी जुबान को इजीली टच करके देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से जो नजर आ रहा है उसे कहा जाएगा पैलेट। आगे की तरफ से तो कैसी होती है ये पैलेट जो है, ये आगे की तरफ से तो कैसी रहती है, सॉफ्ट, और अगर पीछे की तरफ आप देखोगे तो कैसी रहेगी, सॉरी आगे की तरफ तो हार्ड रहती है, एक मिनट, बाय मिस्टेक, सॉफ्ट नहीं है, आगे की तरफ कैसी है, आगे की तरफ है ये हार्ड। अरे भाई आपको भी फील हो जाएगा, आगे की तरफ कैसी है, हार्ड है,
और पीछे की तरफ कैसी है बेटा, पीछे की तरफ है सॉफ्ट, क्लियर है। अब टीथ हो गया, पैलेट हो गया, युवला की मैं बात करूं, आप अपने आप को कांच में एक बार मुंह खोल करके देखिएगा तो आपको पीछे की तरफ एक बेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी जो ऐसे करके लटकी हुई है, उसे कहा जाएगा युवला। क्या कहा जाएगा? युवला कहा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है हमारी टंग जो आप लोगों को नजर आ रही होगी। ओके, तो माउथ किस किस को कंटेन कर रहा है? पैलेट, युवला, टंग और टीथ। पैलेट, युवला, टंग और टीथ, क्लियर है। इसके अलावा माउथ में क्या होती है? सिलेवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? आपने, आपको पता होगा कि हमारे माउथ में जो है वो वोटरी सब्सटेंस हमेशा रहता है। तो वोटरी सब्सटेंस है, या मैं ये कहूँ कि जो वोटर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो सिलेवरी ग्लैंड की वजह से आ रहा है। और सिलेवरी ग्लैंड के भी तीन पार्ट होते हैं, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड। और कहां कहां पे प्रेजेंट है? पैरोटिड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे कान है, और कान के जस्ट नीचे वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? पैरोटिड। देखिए ये पैरोटिड है, ये पैरोटिड आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं बात करूं सबलिंगुअल की तो टंग के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, और उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है हमारी सबमेंडिबुलर, जिसका क्या काम होता है? सलाइवा सिक्रेशन करना या वाटर का सिक्रेशन करना। अब ये हमारी नोज है और ये हमारा माउथ है, और ये जो कॉमन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो कॉमन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो कॉमन पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाएगा फेरिंग्स। क्या कहा जाएगा? फेरिंग्स कहा जाएगा। और फेरिंग्स के बाद में जो आपको ये पाइप नजर आ रहा है, अगर देखो ये लीवर है, लीवर के जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो भाई अगर मैं ऐसे करके देखता हूँ ना जो पीछे जा करके, तो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ यार ये जो इसोफेगस है या ये फूड पाइप जो है ये कहाँ मिला हुआ है? स्टमक से मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा इसोफेगस। और इसोफेगस का क्या काम होता है? सिंपल, कुछ नहीं, जो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं ना इसको एंगल्फ करके स्टमक तक पहुंचाने का काम है, और कुछ भी काम नहीं है। आगे आ जाते हैं अपन स्टमक पे। स्टमक की अगर अपन बात करते हैं, स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है बेटा कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। किसकी वजह से? HCl की वजह से। यहां क्या होता है? HCl होता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा? हाईली एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करें जो हमारा फूड है स्टमक के बाद में कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। एक मिनट, ये पता नहीं कहां से आ गया, बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, इस वजह से कोई भी चीज आ जाती है। देखिए अब हमारा फूड कहां आ चुका है? स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजोनम और इलियम। ड्यूडिनम, जेजोनम और इलियम। अब यहां का जो एनवायरनमेंट है बहुत हाईली एसिडिक है, लेकिन यहां पे दो ग्लैंड्स और हैं, एक है लीवर और दूसरी है पैनक्रियाज। अब एक मिनट रुकिए, पैनक्रियाज कहां है? ये रही पैनक्रियाज। ओके, अरे भाई स्टमक तो हम देख ही चुके हैं। अब पैनक्रियाज और लीवर से निकलने वाली जो डक्ट्स हैं, जो इनके यहां से जो सिक्रेशन हो रहा है, या गोल ब्लैडर से जो बाइल उसका सिक्रेशन हो रहा है, वो कहां होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम होता है ड्यूडिनम। तो यहां का एनवायरमेंट तो एसिडिक है और यहां का एनवायरमेंट एल्केलाइन है। अगर मान लीजिए यहां से एज इट इज फूड आ जाएगा तो हमारे एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, क्लियर। अब हमारा फूड कहां आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उस वाले पार्ट को कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाएगा? सीकम। और सीकम के जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। वेस्टिजियल प्रोडक्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन एक तरीके से। यहां पे आपको नजर आ रही होगी ग्रीन कलर में लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। देखिए ये तो क्या है? असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग, क्लियर है। सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। अब सिग्मोइड पे आ जाते हैं अपन। अब यहां से लेकर के यहां का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है सिग्मोइड, जहां पे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, और यहां पे हमें प्रेशर फील होता है, और एनस के थ्रू हम
इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा डायग्राम एक ही बार में समझ में आ गया होगा। फटाफट से अपन देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन हैव हाईली इवॉल्व एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री केनाल भी रखता है और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कंटेन करता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री केनाल तो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक रहती है, इसे कहा जाएगा एलिमेंट्री केनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट्री केनाल इज अ मस्क्यूलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। कहाँ से? हमारे माउथ से लेकर के हमारे एनस तक क्या है? एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी पार्ट्स हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एलिमेंट्री केनाल की बात कर रहा हूँ, जो आपको नजर आ रहा होगा, जैसे माउथ की मैं बात करूँ, इसोफेगस की मैं बात करूँ, स्टमक की मैं बात करूँ या लीवर की मैं बात करूँ, सब किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्री केनाल के पार्ट हैं। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से देखिए इस डायग्राम को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए एलिमेंट्री केनाल की अपन बात करें बेटा, एलिमेंट्री केनाल जो होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एलिमेंट्री केनाल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को कंटेन करती है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारा फूड का डाइजेशन भी तो होना जरूरी ना, एवं हमारे फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उनका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज जो है एक ही जगह पर डाइजेस्ट हो रही है। जैसा कि अगर माउथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली डाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है। स्टमक की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारा फूड 7 से लेकर के 8 आवर्स वहाँ पे रहता है, तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। ओके, एलिमेंट्री केनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। अब हम फटाफट से एक ऑर्गन को देख लेते हैं, वो है हमारा माउथ। और मैंने आपको माउथ के बारे में बताया है, इट इज अ स्मॉल स्लिट थ्रू विच फूड इंजेस्टेड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? हमारा फूड इंजेस्ट कर रहे हैं। माउथ के थ्रू ही तो हम हमारा खाना खा रहे हैं बेटा। ओके, अब जो माउथ के अंदर हमारा खाना आ गया है, या मैं इस कैविटी की बात करूं, इसे कहा जाएगा बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी किस किस को कंटेन करती है? पैलेट, टीथ एंड टंग। पैलेट, टीथ एंड टंग, इन तीनों को कौन कंसिस्ट कर रहा है? बक्कल कैविटी। पैलेट की अगर मैं बात करूं, रूफ किसका? एक बार बताओ, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट, और इसे बोनी पैलेट भी कहा जाता है। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली चीज जो है, ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है ना, इसे कहा जाता है पैलेट। क्या कहा जाता है? पैलेट कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, टीथ क्या काम करेंगे? जो हमने फूड खाया है या जो फूड हमने इंजेस्ट किया है उसको डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात। और टंग की अगर मैं बात करूं तो क्या काम करती है? टंग का जो प्राइमरी वर्क है वो होता है सलाइवा का मिक्सिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा बन रहा है, वॉटरी सब्सटेंस है, उसको हमारे फूड के अंदर मिक्स करने का काम होता है। सेकेंडरी काम है हमारी जो बोलने में हेल्प कर रही है। ओके, क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं, ये जो पैलेट होता है ना, ये जो पैलेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और आपने कभी कभार देखा होगा या एड वगैरह भी देखा होगा, जो बाहर की तरफ जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है जो लटका हुआ रहेगा। अरे भाई ये लटकी हुई नजर नहीं आती कि अपन कई बार कांच में देखते हैं, आपने कभी ब्रश वगैरह किया होगा तो आपको पीछे की तरफ यहाँ पे नजर आएगी ना, इसे कहा जाता है यूव्यूला। क्या कहा जाएगा? यूव्यूला। अब ये यूव्यूला का क्या काम होगा भाई? कोई काम नहीं है, बस और बस ये काम होता है जब आप कुछ ज्यादा खा लो पी लो तो वो आपके माउथ से ही निकले, नाक से ना निकले। लेकिन अगर आप हफ्सी की तरह खाओगे तो फिर कहीं से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि नोज को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक है, क्योंकि HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। अगर वहां से निकलने वाले जो सब्सटेंस है, मान लीजिए कभी वोमिटिंग आपको हो गई और वोमिटिंग के अंदर हाईली एसिड अगर आपके पास में नाक से निकल गया तो हमारी नाक को डैमेज कर सकता है।
इसलिए सफिशियंट ही खाना है। ओके, तो आज हमने बक्कल कैविटी को डिस्कस कर लिया। बक्कल कैविटी में क्या क्या है? पैलेट, टंग और टीथ। इनको अपन एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन आप लोगों को पिछली क्लासेस को वापस से देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।